गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इन माई न्यू वीडियो। और गाइज मैं आ जाती हूँ एक नया प्रैंक वीडियो लेके। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो गाइज जो मैं आज प्रैंक लेके आई हूँ वो है बिस्किट चैलेंज। उससे पहले भी मेरी एक कज़न आ रखी है आज घर, तो उस प्रैंक में होने वाला है कि पहले तो मैं उसको इतना इरीटेट कर दूँगी कि वो रोने लग जाएगी। दूसरा प्रैंक ये है कि मैं उसको उसके बिस्किट में मैंने टूथपेस्ट डाल दिया है। अब देखते हैं मेरे प्रैंक दोनों पास होते कि नहीं होते। लेट्स गो। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन माय न्यू वीडियो। और आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ये न्यू कौन है, तो मैं बता देती हूँ ये मेरे मामा की लड़की है, मेरी कज़न है। और मैं होप करती हूँ कि आप लोग सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और प्लीज़ सेफ रहिएगा, घर पर रहिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है। और गाइज आज हम जो लेके आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम एक बिस्किट लेके क्यों बैठे हैं, क्योंकि आज हम कर रहे हैं बिस्किट चैलेंज। और बिस्किट चैलेंज में पहला रूल ये है कि हमें आईज बंद करके बिस्किट खाने हैं सारे। ये तो जैसे मुझे बोल रही है कि कुछ मतलब एक ड्रामेटिक सा करो, कुछ लोगों को लगना चाहिए एंटरटेन सा, तो आईज क्लोज करके बिस्किट खाने हैं, ठीक है। और आईज क्लोज करके खाने हैं। और हमें पहले जो हमारे कॉर्नर वाले बिस्किट है ना, वो सबसे पहले फिनिश करना है, फिर अंदर वाले करना है, ठीक है। उससे भी पहले कुछ बोल लेंगे, क्या बोलूँ, कुछ तो बोल। हे गाइस प्लीज़, ये मेरी बहन का चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आई होप हम न्यू वीडियो के साथ ये तो बाद में बोलते हैं, अभी तो कुछ बोल ले, कुछ अलग सा लगना चाहिए ना। एक सौ बोलते हैं हाँ, मत बोल ले कुछ, बोलिंग सी मत हो, बोल क्या बोलो बताओ ना, कुछ भी बोल कि कुछ भी। आप मुझे क्या पता क्या बोलते हैं, अब तू मेरे चैनल में पहली बार आई तो कुछ बोलेगी ना। अब ये सब्सक्राइब वाले तो बाद में ही करते हैं, ये फॉर्मेलिटी तो बाद में होती है। क्या बोलोगे, कुछ अच्छा सा बोलना, तभी तो हम बिस्किट चैलेंज करेंगे, हम क्यों करेंगे वरना। तो कुछ बोलेंगे वरना तो मैं अकेली कर देती हूँ। कुछ भी बोल, बोल मेरी शक्ल देख के क्या होगा, बोल ले वहाँ पे। क्या बोलूं बताओ तो सही। अरे यार जैसे कुछ भी बोल लेगी, कुछ भी बोल ले कि सेफ रहना, ये रहना वो रहना, ऐसा कुछ कॉमेडी सा, अब ऐसे भूत बन के बैठ जाएगी ऐसे करके, तो क्या फायदा फिर तुझे लाने का मुझे अपने चले। कुछ आइडिया दो ना गाइस। मैं आइडिया मुझे मिलता था, मैं तभी तो रोज वीडियो बनाती हूँ, तो खुद संडे संडे को आती हूँ वीडियो बनाने। गाइस वॉट इज वहाँ बैटरी फुल हो जाएगी मेरे, उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी फोन की। गाइस घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये नरेंद्र मोदी है और कौन से को भी बोल रहा, ट्विंकल ऐसे नहीं होता, क्या बोलूं मैं, भी बोल अच्छा सा, अच्छा से करना। पहली बार आ रही हूं मैं यूट्यूब पे, पहली बार तो सभी आते हैं, मेरी पहली बार ही आई हूं मैं, कोई यहां बार-बार नहीं आई हूं। तो मैं क्या बोलूं, कुछ बोल अच्छा सा, क्या बोलूं, कुछ आईडिया तो दो मुझे, बता तू सोच ले, तू बोल ले, मैं ऐसे बैठी हूं तब तक। बोले क्या बोलो, मैं समझ नहीं आ, कुछ भी बोल ले अच्छा सा, लाइक मुझे भी नहीं पता। बिस्किट तो हर कोई खा लेता है ना, बिस्किट तो हर कोई खा लेता है। मैं कैमरा बंद कर दूंगी जल्दी, बोल मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है आज। क्या बोल, कुछ भी बोल ले अच्छा सा, बोलना है क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोल मुझे नहीं पता। नहीं हो सकता तो बोलो, सोचने तो दो। गाइज वो ना चेंज करने लग गई है, जैसे मैंने उसको वहाँ पे डरा के बोला था कि चेंज करके मुझे नहीं बनाने दिया साथ वीडियो,
और वो अब सच में चेंज करने लग गई है। ट्विंकल ट्विंकल जल्दी आ, मुझे लगता है वो रोने लग गई है शायद से, शायद देखते हैं। सही आ रही वीडियो देख, बहुत सभी नहीं आ रहा हूँ, ठीक ही है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? कितने गंदे हो कैसा लगा मेरा मजाक? आ गई रोने लग गए। मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? जी ये होता है ना प्रैंक। अब इसके बाद एक और प्रैंक आने वाला है जो कि मैं किसी और के साथ करने वाली हूँ, और देखो अब रोने लग गई। मैं बोल ही नहीं थी कि वो रोएगी रोएगी। अच्छा कैसा लगा मेरा मजाक कल बता दे, बेचारी मैं बहुत ही गंदा। मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी कि तू मुझे बोलेगी क्या है ये मिताली दीदी को, क्या हो गया, मेकअप खराब हो गया पूरा। चले वीडियो बनाना है, चलो चलो। मैं नहीं बनाऊंगी बोलना। चल मिलते हैं वीडियो में, बाय। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा मजाक जो कि मैंने इसके साथ किया था अभी? बहुत ही बुरा था। रो, मुझे पक्का पता था कि तू रोएगी रोएगी 100%। पहले तो तू रोई नहीं, जब तक मैं यहाँ से उतर गई ना तू रोएगी। मैं बोला शिट तो रोएगी, उसके बाद चेंज करने जा रही थी, मुझे पता चल गया ना तू बाथरूम में गई थी, तभी मैंने तेरे को अभी भी आंसू है। चल अब रोवा था बिस्किट खाने। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आंखें बंद करके हमें बिस्किट खाने हैं, ठीक है सारे, और चीटिंग नहीं करनी किसी को भी, मैं भी नहीं करूँगी चीटिंग, कोई नहीं करेगा चीटिंग, ठीक है। चलो चलो तो हम चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अब वन, आंखें बंद करो, वन, ये बीच वाला बातें खाना है, ठीक है, ऐसे करके देख लेना। वन टू, जो सबसे जल्दी बिस्किट खाएगा, ऐसे टाइम लिमिट कुछ नहीं है पर जल्दी खाने हैं, ठीक है, जितने जल्दी से सबसे पहले ये सारे बिस्किट खत्म करेगा वो इस चैलेंज का विनर होगा। ओके ये बाय बाय, देखो लेट्स गो, वन टू थ्री गो गो जल्दी जल्दी। Thank you.
और ना मेरे तो सारे बजे ये बिल्कुल खराब था। फिर से आधा खाया मैं तो दिन उठ गया। ओह पानी, ओह मैं तो वैसे भी हाथ पिए चले, मेरे बस के नहीं होता वैसा मीठा हाथ। तो गाइस ये जितना इजी लग रहा था उतना इजी बिल्कुल नहीं था। ऊपर से ही मीठा था मतलब, और दाद देनी पड़ेगी, मैंने कुछ चीटिंग भी नहीं करी। मैंने भी नहीं चीटिंग था, मतलब चीटिंग नहीं करी। और उसने फिनिश कर दिया, इसको मैं दिलाऊंगी एक गिफ्ट। ये कभी हो गई दुकान वाले को पता था क्या कि हम इसमें भी प्रैंक करने वाले हैं, इसमें भी प्रैंक करने वाले हैं? दुकान वाले को पता था क्या? पता नहीं। पता था दुकान वाले को? नहीं, दुकान वाले को कहां से पता होगा कि मैं प्रैंक करने वाली हूँ इसके साथ ही। कॉल के डाल सकती हूँ मैं इसके अंदर। और मैं लिटरली बता रही हूँ मेरी पूरी आंखें खुली थी चैनल में ताकि तू ये वाला बिस्किट खाए, और तू इसने खाया भी लास्ट में। ये लगी है इसके, मैं पता है मैं इतनी जोर जोर से मेरा बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर यार। और ये जो तेरे सारे बिस्किट है वो मैंने यहाँ रखे हुए, कोई तूने फिनिश नहीं किया ना ये बिस्किट, ये जो मैंने एक करके टपाए हैं ना यहाँ से। और तूने एक बार यहाँ पे भी कुछ रखा था? मैंने यहाँ नहीं रखा, मैंने इसे नीचे रख दिया। इसने ना पहले क्या किया, इसने लास्ट वाला बिस्किट ऐसे लिया खाते खाते नीचे रख दिया। मैंने कहा अच्छा मेरे चैनल मुझसे चला की। तो गाइस ये जो चैलेंज है कोई भी नहीं जीतता है, ठीक है? ये जो इतनी सारी मैंने तेरे ये पूरी लास्ट में, ओह आई एम डन। ये चीटिंग थी भाई, ये कोई चीटिंग नहीं थी, ये बिल्कुल परफेक्ट था। अगर ये पूरा खा लेती तो मेरे को, वैसे मेरे को दया आ गई थी थोड़ी सी कि अभी रहने देती कोई तेरा पेट वेट खराब ना हो जाए, वैसे इतने सारे फालतू के बिस्किट खा लिए हमने। मेरे बस की तो था ही नहीं चैलेंज, मैं तो बस एक प्रैंक के चक्कर से मैंने चैलेंज किया, मेरे से मीठा इतना नहीं खाया जाता। यार ये वाला तो बहुत ही लिटरली बहुत ही गंदा है। दिखा दे एक बार ज़ूम करके पास से, दिखा दे एक गाइस। और आज हमारे घर में भी वो व्हाइट वाला पेस्ट खत्म हो गया था, इसलिए मुझे ये ब्लू वाला मम्मी का सेंसोडाइन वाला पेस्ट डालना पड़ा। मैं सोच रही हूँ यार इसने पता क्या किया, इसने पहले ही मेरे को पकड़ लिया था। मैंने जब मैंने यहाँ पे बिस्किट रखा था ना, इसने मेरे को बोला दीदी बिस्किट में कोलगेट है, मैं वहाँ पे थी। मैंने कहा ऐसे कर रही, पता है मैं इससे क्या करती हूँ शीट यार, इसको खाना चल गया मेरा प्लान पहले। फिर मैं पहली बार, ये क्योंकि मुझसे छोटी है तो मैंने इसके सामने पहली बार हंसी नहीं। अगर मेरे सामने मेरे साथ का कोई होता ना, मेरे दोस्त लोग भी होते तो मैं हंस जाती। तो मैंने बोला हाँ नहीं तो मैंने तो नहीं करा कुछ, मैंने बोला हाँ, मैंने कहा इस दुकान वाले को बताऊंगी भाई इसने ऐसे क्यों कर दिया। मैंने कहा शायद खराब हो गए, ओवर डेट हो गए होंगे एक दो बिस्किट इसमें से, एक दो बिस्किट इसने भी दिमाग नहीं लगाया कि एक दो बिस्किट कभी ओवर डेट नहीं होंगे, होगा तो पूरा पैकेट ही ओवर डेट होगा। तो देख रहे बच्चों का दिमाग आजकल के बहुत खत्म है, खत्म। तो बिस्किट अगर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 मतलब 4.5 तो मतलब वैसे भी यही जीतती है। और चीटिंग इसने भी की थी, मैंने कोई चीटिंग नहीं, ये तो चीटिंग ही करी थी लाल। फिर तूने सबसे बता ही देती दीदी को, यार दीदी यार ये ऐसा था ना, ये मतलब मैं हंस रही थी उस टाइम, लेकिन पाँव के नीचे मेरे चैलेंज में मुझसे चला गया यहाँ पे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी, और इससे भी पहले जो आज जो डबल प्रैंक मैंने इसके साथ किया है ना बहुत बुरा था गाइस, लिटरली ये ना बहुत कॉमेडी है, इनसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है दूसरे को रुला है। बहुत बुरा था ये, बहुत ही गंदे गंदे प्रैंक हुए मेरे साथ। वो भी तो छोटी है मुझसे, तो मैंने तेरे साथ ये कम लेवल वाले प्रैंक किए, वरना तो बाला बाला हो जाता। सो गाइस इस लाइक इस वीडियो पे तो बनता है बहुत सारे लाइक्स, क्योंकि इसमें मैंने डबल मेहनत की है, डबल बार प्रैंक करना, वो भी इसको पता चल गया था कि इसमें कोलगेट है। वो बेचारी ने कभी आज तक जिंदगी में, तूने कभी नहीं देखा ना बिस्किट चैलेंज मतलब ओरियो चैलेंज? नहीं, नहीं। अभी तो मैंने पूरे रास्ते में बोलती मुझे ओरियो बिस्किट चाहिए, ओरियो बिस्किट चाहिए यार।
ओरियो मैं वही तो सोच रही हूँ ओरियो ही क्यों चाहिए। फिर हमें ओरियो मिला नहीं क्योंकि आजकल कोरोना में ओरियो छुप रखा है घर के अंदर तो हम ये वाला बिस्किट ले आए और ऊपर से जब मेरे को पता चला कि मैं ये वाला बिस्किट लिया जब मैं बाथरूम में गई तो मैंने बोला आज कोलगेट लगा कोलगेट भी देखा तो ब्लू कलर का ही था तो तब ज्यादा शक हुआ इसको मैंने इसको शक होता ही नहीं खा जाती मैं ऐसे सोच रही हूँ यार ये स्मेल तो कोलगेट की यार लेकिन ये बिस्किट से क्यों मैं कह रही ग्रीन ग्रीन ओ ये कुछ खराब बिस्किट है। सो गाइस होप करते हैं आपको ये चैनल पसंद आया इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल को प्रेस करना बिल्कुल भूलना बाय।